हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस। माय सेल्फ सोनम चौहान। सो आज हम यहाँ पे बात करेंगे द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के बारे में बात करेंगे यहाँ पे किस तरीके से इसकी रचना हुई है और साथ में इसका जो फर्स्ट चुनाव हुए थे, यानी कि पहले जो चुनाव हुए थे नेशनल लेवल पर, वो किस तरीके से हुए थे, कौन सी पार्टी ने किस पार्टी के साथ गठबंधन किया था, वो एक छोटी सी स्टोरी है, वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। साथ ही हम बताएंगे इसके ड्यूरेशन के बारे में। इससे पहले हमने इसका एक और पार्टी, यानी कि फ्रांस की जो पार्लियामेंट है उसका एक और पार्टी, यानी कि सीनेट के बारे में पहले ही वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जा करके चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के एंड में हम उसका एक लिंक आपको डाल देंगे, वहाँ से चेकआउट करके उसको अटेंड कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है भाई, कितनी बार भी देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कंपोजिशन, यानी कि रचना के बारे में। देखिए, फ्रांस की संसद के प्रथम और लोकप्रिय सदन का नाम राष्ट्रीय सभा है। अगर हम फ्रांस की सबसे फेमस जो सदन है अगर हम उसकी बात करें तो द नेशनल असेंबली को कहा जाता है। इस राष्ट्रीय सभा के सदस्य संख्या में टाइम टू टाइम परिवर्तन किए जाते रहे हैं, और ये भी देखा गया है कि मेंबर्स में परिवर्तन है या उसके सिस्टम में परिवर्तन है। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या 577, यानी कि 577 है। नवीन संविधान की धारा 24 के अनुसार राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान के आधार पर किया जाता है। गुप्त मतदान का मतलब ये है कि अगर आप वोटिंग करोगे तो उसको एक्सपोज नहीं किया जाएगा कि आपने किसको वोटिंग की। आप अपनी मर्जी से किसी को बता सकते हो, बट वहाँ पर जो भी वोटिंग सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एक्सपोज नहीं किया जाएगा। सभा के चुनाव हेतु एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और द्वितीय मतपत्र योजना, यानी कि सिंगल मेंबर कंसिस्टेंसी एंड सेकंड बैलेट सिस्टम, निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। और द्वितीय मतपत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय सभा के चुनाव हेतु दो बार मत डालने होते हैं। स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेने वाले उम्मीदवार पहले मतदान के बाद ही निर्वाचित घोषित हो जाते हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों के अंतर्गत प्रथम मतदान, यानी कि पहला जो चरण मतदान का हो चुका है, उसमें किसी भी उम्मीदवार को मतदान के 50% से भी अधिक जो वोटिंग है उसका एक चौथाई से भी अधिक अगर प्राप्त नहीं होते हैं, 50% से अधिक, और जो पंजीकृत मतदाता हैं उसका एक चौथाई से अधिक अगर उनको मत प्राप्त नहीं होते हैं, तो उनमें दोबारा मतदान होता है। और दोबारा मतदान में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनको विजयी घोषित कर दिया जाता है। चुनाव के दूसरे दौर में वो सभी दल चुनाव में भाग नहीं ले सकते जिन्हें पहले दौर में 10% से भी कम वोट मिले हैं। ठीक है, यानी कि वो अगला जो दौर होगा, जो मतलब सिस्टम होगा, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो एक ही दौर में पार्टिसिपेट कर सकते अगर उनको वोटिंग अच्छी मिलती तो ठीक है, अगर 10% से कम मिलती है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। राष्ट्रीय सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, और फ्रांस में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके राष्ट्रीय सभा के चुनाव के बारे में। 4 मार्च 1973 को फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के चुनाव का प्रथम दौर संपन्न हुआ था। तो चुनाव के प्रथम दौर में 490 स्थानों पर चुनाव लड़ रहे 3140 उम्मीदवारों में से केवल 58 उम्मीदवारों को 50% से भी अधिक मत प्राप्त हुए, और इन स्थानों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। चुनाव के प्रथम चक्र में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को 46% मत प्राप्त हुए थे। द गोलवादी पार्टी को 38% वोटिंग मिले थे, और वहीं सुधारवादी दल को 12.5% मत मिले, यानी कि 12.5% उनको वोटिंग वहाँ पे मिली थी। इस प्रकार चुनाव के प्रथम चक्र में वामपंथियों, यानी कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थिति है, द गोल वादियों की जो पार्टी थी उनसे काफ़ी अच्छी थी। चुनाव का दूसरा चक्र होता है 11 मार्च 1973 को। तो प्रथम चक्र में सुधारवादियों ने द रिफॉर्म मूवमेंट पार्टी को 17% वोटिंग प्राप्त होने की उम्मीद तो थी, लेकिन जब उन्हें 12.5% मत ही प्राप्त हुए तो सुधारवादियों को निराशा हुई, बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। और निराशा की मनोस्थिति में सुधारवादियों ने द गोलवादी पार्टी की दल के साथ में गठबंधन कर लिया। अन्य कुछ छोटे छोटे दलों के द्वारा भी गोलवादी पार्टी का समर्थन किया गया, और सुधारवादी तथा अन्य जो छोटे छोटे दल थे उनके साथ द गोलवादी दल के गठबंधन ने चुनाव की स्थिति को बिल्कुल चेंज कर दिया। चुनाव के परिणाम स्वरूप 490 सदस्य, यानी कि 490 मेंबर्स राष्ट्रीय सभा में प्रमुख दलों की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं द गोलवादी और साथी दल की जो पार्टी थी उनको मिले थे 272 वोटिंग, और वहाँ पे साम्यवादी दल की जो प्रेजेंटेशन थी वो 73 थी, समाजवादी दल की थी 89। तो ये कुछ ऐसे दल थे जो साम्यवादी दल है, समाजवादी दल है, ये कुल मिलाकर के गठबंधन उन्होंने किसके साथ किया, द गोलवादी पार्टी के साथ। बात करते हैं यहाँ पे ड्यूरेशन की, इसके कार्यकाल की।
तो राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का था। राष्ट्रपति इस अवधि के अंतर्गत भी मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता था, लेकिन राष्ट्रपति की इस विघटन की जो पावर है, जो उसको प्रिविलेज मिला है भंग करने का, ठीक है, कि वो राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रतिबंध थे। मंत्रिपरिषद द्वारा की गई इस विघटन की प्रार्थना मंत्रिपरिषद द्वारा उसी दशा में एक्सेप्ट हो सकती थी जबकि राष्ट्रीय सभा का चुनाव हुए 18 महीने की अवधि बीत चुकी हो। यानी कि अगर वहाँ पर चुनाव हुए 18 महीने स्पेंड हो चुके हैं तो ही वो जाकर के बाद में उसको विघटित कर सकता है, उससे पहले नहीं। और राष्ट्रीय सभा ने 12 माह के अंतर्गत 2 मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया हो, यानी कि उस 18 महीने के बीच में, 18 महीने का अंतराल तो एक अलग अवधि होगी कि 18 महीने कंप्लीट होने चाहिए, बट इस जिस राष्ट्र की राष्ट्रीय सभा ने 12 माह के अंतर्गत 2 मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया हो, तब जाकर के उनकी जो एप्लीकेशन होती है विघटन की, वो एक्सेप्ट की जाती है। राज्यसभा कार्यकाल पहले के समान 5 वर्षीय रहा, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। संविधान की धारा 12 के अनुसार राष्ट्रपति इस अवधि से पहले भी प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के सभापतियों के परामर्श से राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता था, और बाद में जो अमेंडमेंट हुआ तब भी वो वैसी की वैसी एज इट इज ही वही कंडीशन रही है। राष्ट्रपति के लिए इस संबंध में प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के सभापतियों से परामर्श ही लेना आवश्यक है, अनुमति नहीं। तो वहाँ पे राष्ट्रपति की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परामर्श यानी कि एडवाइस ले सकता है, अनुमति नहीं ले सकता। राष्ट्रपति की राष्ट्रीय सभा को भंग करने की शक्ति पर 2 तरीके के प्रतिबंध होते हैं। पहला तो कि वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 16 द्वारा जितनी भी इमरजेंसी पावर्स हैं उनके आधार पर कार्य कर रहा है, तो वह ना तो राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है और ना ही संसद के अधिवेशन को स्थगित कर सकता है। तो राष्ट्रीय सभा को भंग किए जाने पर 20 से 40 दिन के भीतर एक नई राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये तो था उसका ड्यूरेशन कि किस तरीके से राष्ट्रपति अपना प्रिविलेज का प्रयोग कर सकता है और कैसे उसके प्रिविलेज पर किस तरीके से कंट्रोल है ताकि वो अपने पावर का मिसयूज ना कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कार्य विधि के बारे में, यानी कि जो उसका प्रोसेस है, जो काम करने का जो तरीका है। तो संविधान के अनुसार संसद के वर्ष में 2 बार अधिवेशन होते हैं जो प्राय 3 महीने तक चलते हैं। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री या संसद के बहुमत सदस्यों के आग्रह पर ही संसद का असाधारण अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। यानी कि अगर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा या संसद के जो भी बहुमत के सदस्य हैं, जैसे हम बहुमत की बात करते हैं तो फ्रांस में 3/5 जो सदस्य होते हैं उन्हीं का बहुमत माना जाता है, ठीक है, यानी कि पूरी मेंबर्स की जो संख्या है उनमें से 3/5 को ही वहाँ पे बहुमत माना जाता है। तो अगर उनके द्वारा कोई आग्रह किया जाता है अधिवेशन बुलाने का, तो ही जाकर के वो अधिवेशन बुलाते हैं। संसद का अधिवेशन सार्वजनिक होता है, पब्लिकली होता है, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री या सदन के 1/10 जो कोरम होता है, यानी कि पूरे ओवरऑल कंट्री में, हर एक कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कोरम की कंडीशन है वो 1/10 है, ठीक है। तो 1/10 सदस्यों के आग्रह पर गुप्त अधिवेशन भी कराया जा सकता है, यानी कि वहाँ पे पब्लिकली उसको नहीं रखा जा सकता अगर वहाँ पे आग्रह किया गया 1/10 सदस्य द्वारा। सदन की कार्यवाही सरकारी पत्र में प्रकाशित की जाती है, यानी कि उनका जो ऑफिशियल जर्नल है पूरी कार्यवाही उसमें प्रकाशित की जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं उनके क्या प्रिविलेज हैं, उनके क्या पावर्स हैं। तो संसद के सदस्यों को संसद में भाषण देने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके अलावा न तो वो किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है वहाँ पर, और न ही वह सदन के बाहर किसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि उसके पास ये पावर है कि अगर कोई अधिकारी उसे क्वेश्चन करता है तो उसकी मर्जी है उस क्वेश्चन का आंसर देना, कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसको आंसर देने के लिए, तो वो नहीं देगा। अन्य किसी अपराध के लिए भी संसद के अधिवेशन के समय सदन की आज्ञा के बिना किसी भी सदस्य को ना तो बंदी बनाया जा सकता है और न ही उस पर अभियोग चलाया जा सकता है। अभियोग का मतलब केस। संसद के स्थगन काल में भी सदन के सचिवालय की अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन भीषण अपराध की स्थिति में सदन के सचिवालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कि अगर बहुत ही कंजेबल क्राइम हुआ है, इतना हीनियस क्राइम हुआ है जहाँ पर हम अरेस्ट वारंट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, यानी कि पुलिस जो ऑफिसर्स होती है उनको वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनको पता होता है कि इस इंसान ने ऐसा किया और ये मेंबर्स है, तो वो वहाँ पे नहीं रुक सकते, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे अनुमति की ज़रूरत नहीं होती सचिवालय की, वो सीधा उनको अरेस्ट कर सकती है। सदन को किसी भी बंदी सदस्य को मुक्त करने और उसके अभियोग को स्थगित करने के आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और उसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इस तरह के वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।